हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम टमाटर की खट्टी मीठी तीखी चटपटी चटनी बनाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये सरसों का हमने तेल ले लिया, हमने तेल डाल दिया। इसमें हम डालेंगे पंचफोरन। देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये पंचफोरन हमने डाल दिया। देखिए, हमारा पंचफोरन जल गया। इसमें हम तेजपात डालेंगे। और देखिए, हमने ये लाल मिर्च खड़ा ले रखा है और इसको हम तोड़ के और एक खड़ा हम ऐसे ही डाल देंगे। देखिए, हमने डाल दिया। ये देखिए, हमने आधा किलो टमाटर बारीक कटा हुआ, ये भी हम डाल देते हैं इसमें। देखिए, इसमें हम इतना नमक डाल देते हैं। देखिए, ये हम गुड़ खड़ा ही गुड़ डालेंगे, क्योंकि जैसे ही गलते हुए पकेगा इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इतना और डाल देते हैं। हमने डेढ़ गुड़ डाल दिया इसमें चटनी में अपने। देखिए, इस समय ये हमने किशमिश डाल दिया इसमें। देखिए, इस समय ये हमने काजू और ये हमने कच्चा नारियल काट के लिया हुआ है, ये हम इसमें डाल देते हैं। और डाल के सबको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हम आधे घंटे तक अपनी चटनी पकाएंगे इतनी अच्छे से गल के, और टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है, तीखी और चटपटी हमारी चटनी। आप कोई भी रोटी में या पराठा किसी भी के साथ खा सकते हैं। इसको स्वाद बहुत अच्छा लगता है, किसी भी तरह का पराठा हो। देखिए, इसे हम बीच बीच में चला देते हैं। देखिए कैसे गल के अच्छे से गल गया है। 5 मिनट और रखेंगे, हमारे टमाटर की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। इसको वापस हम ढक देते हैं। देखिए, हमारी तीखी चटपटी चटनी बनके तैयार हो गई है। गुड़ वाली कलर देखिए, कितना प्यारा कलर लग रहा है। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, चटनी हमारी आधे घंटे लगे है, हमारी चटनी अच्छे से बनके तैयार हो गई है।